नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बच्चों के विषय पर बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। मित्रों, आजकल मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कोविड का समय चल रहा है, बच्चे भी घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे जैसे कि वे स्कूल जाकर पढ़ते थे। तो बच्चे भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं क्योंकि वो ठीक तरीके से स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पास पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको आप करेंगे तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। सबसे पहले आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का स्टडी टेबल डालना है और हो सके तो बच्चों को कमरा भी घर का नॉर्थ ईस्ट का जो रूम है वह रूम उनको दें। बच्चे नॉर्थ ईस्ट में जितना रहेंगे उतना ही उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, याद करने की क्षमता उनकी बढ़ेगी। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का रूम होना चाहिए और यदि रूम नहीं मिल पा रहा है तो बच्चों का स्टडी टेबल आप नॉर्थ ईस्ट में डालिए। नॉर्थ ईस्ट में येलो और ग्रीन कलर जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपके घर के बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। बच्चों की स्टडी टेबल पे हमेशा एक पीले रंग का कपड़ा ज़रूर बिछा के रखना चाहिए और वहाँ पर माँ सरस्वती की फ़ोटो होनी चाहिए या छोटी सी मूर्ति होनी चाहिए। और बच्चों को आप आदत डालिए कि जब भी वे पढ़ने बैठें तो हाथ धो के माँ सरस्वती के आगे दिया जलाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पढ़ना शुरू करें। और जब भी वे पढ़ें तब सबसे पहले वे 5 बार, 7 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। जब वो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इसके अलावा आपने एक पानी वाला नारियल लेना है। उस पानी वाले नारियल पे पीले रंग का धागा आता है, उस धागे को आपने 3 बार लपेटना है। उसके बाद इस नारियल को आपने बच्चे के सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे घड़ी घूमती है ना 12, 11, 10, 9, ऐसे उल्टा आपने 11 बार घुमाना है। घुमाने के बाद इस नारियल को आपने, ये उपाय आपने बुधवार के दिन करना है, इस नारियल को आपने माँ दुर्गा के चरणों में रख कर आना है। यदि आप बच्चे के हाथ से रखवाएंगे तो सबसे अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड का समय है, बच्चे घर से नहीं निकल रहे, तो माता भी इस नारियल को माँ दुर्गा के चरणों में रख कर आएँ। ऐसा आपने 12 बुधवार करना है। यह उपाय करने से भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, उनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव थॉट्स उनके मन में होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं। अब बच्चों के कमरे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक तोते की फ़ोटो लगाएं। तोता बुध ग्रह का प्रतीक होता है। जब आप तोते की फ़ोटो लगाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि बच्चे का बुध स्ट्रांग होने लगेगा। बुध स्ट्रांग होगा तो बच्चे की याद करने की क्षमता बढ़ने लगेगी। काली मसूर के 21 दाने लीजिए। वो 21 दाने लेके उसको आपने लाल कपड़े में लपेट देना है और बुधवार के दिन सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में आपने इस पोटली को 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके और अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य की और पढ़ाई के लिए प्रार्थना करते हुए इस पोटली को अपने बच्चे के बैग में रख दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। अब बच्चे के कमरे में आप ईस्ट डायरेक्शन में एक घड़ी लगा दीजिए और जब आप घड़ी लगाएंगे तो बच्चे से एक पीले पेपर के ऊपर वो जिस भी क्लास में है वो लिखिए उसमें कि मैं इस क्लास में हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है। और जिस सब्जेक्ट में उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल है उस सब्जेक्ट के लिए लिखे कि यह सब्जेक्ट मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मेरे को पढ़ने में बहुत मन लगता है, मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। आपने ऐसा प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जो आप चाहते हो वो ऐसा बच्चे से लिखवाना है प्रेजेंट टेंस में कि मुझे सब अच्छा लग रहा है, और ऐसा लिख के उस पेपर को आपने घड़ी के पीछे लगा देना है। जब लगाएंगे और उसके बाद डेली जब भी बच्चा पढ़ने बैठे घड़ी के आगे एक बारी हाथ जोड़कर जो उसने विश लिखी है वो मन में ज़रूर बोले कि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो गई है,
मेरा ये वाला सब्जेक्ट जो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। इस तरीके से प्रे करें तो भी आप देखेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा है। बच्चे की स्टडी टेबल पे आप 3 मोर पंख लगाएं। मोर पंख लगाने से भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है और जितनी भी आसपास की नेगेटिव एनर्जी है वे दूर हो जाती है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो आपने याद किया होता है वे सब भूल जाते हैं। कल मैंने एक घर में वास्तु किया, दिल्ली गेट, वहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला, विराज वशिष्ठ, जिसने कहा कि मैम मैं जो भी लर्न करता हूँ वह मैं भूल जाता हूँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जब मैंने उनकी स्टडी टेबल देखा तो उनकी स्टडी टेबल पे डायरेक्शन गलत थी और एक ब्लैक कलर का कपड़ा बिछा हुआ था। तो आप अपनी स्टडी टेबल पे ध्यान रखें कि हमेशा येलो कलर का कपड़ा बिछाएं, आपकी जितनी भी नोटबुक्स हैं या बुक्स हैं उन पे येलो कवर का कवर चढ़ाएं तो आपका गुरु बृहस्पति स्ट्रांग होगा। आप अपने रूम की बेडशीट येलो और ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसे करेंगे तो भी आप, क्योंकि आप एक पढ़ने वाली जनरेशन है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप अपने जीवन में जितना भी येलो और ग्रीन कलर यूज़ करेंगे उतना ही आपके बृहस्पति और बुध स्ट्रांग होगा, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपकी किताबों में, आपकी स्टडी टेबल में, आपके रूम में ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर यूज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि कम से कम यूज़ हो, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप ब्लैक यूज़ करेंगे उतना आपके जीवन में परेशानी आएंगी, यानी कि जो आप याद कर रहे हो जल्दी जल्दी भूल जाएंगे क्योंकि ब्लैक कलर शनि का है। ब्राउन आप यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि वह राहु का कलर है, तो इसलिए आप जितना हो उतना येलो और ग्रीन कलर यूज़ करें। बच्चे की किताबें और अलमारियाँ हमेशा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्या बच्चे क्या करते हैं, आते हैं अपनी किताबें ऐसे ही फेंक देते हैं। स्टडी टेबल अगर आप उनकी खोल के देखेंगे तो सब बुक्स और कॉपियाँ बिखरी हुई मिलेंगी। स्टडी टेबल के आगे आपको उनके शूज़ मिलेंगे। नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। यदि ऐसी स्थिति आपके घर में भी है तो आपका बृहस्पति और बुध दोनों वीक हो जाएगा। स्टडी टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। वहाँ पर येलो कलर का एक पेपर बिछाइए, उस पर तरीके से अपनी किताबें लगाइए, अपना बैग तरीके से रखिए। स्टडी टेबल के आसपास शूज़ नहीं होने चाहिए। आपका रूम और स्टडी टेबल एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप करके देखिए ये उपाय, आपका खुद आप कहेंगे कि मेरा मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगने लगा है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो किस तरीके से लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। मित्रों, मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशंत बेस्टीज। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।